बहता पानी किसे अच्छा नहीं लगता, पर जब वो पानी हर हद हर सीमा को तोड़ते हुए बहे तो क्या तस्वीर बनती है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखिए। पूरा आसाम इस वक्त पानी में डूबा है। मेघालय बादलों का घर नहीं बल्कि बाढ़ का घर लग रहा है। और त्रिपुरा सड़क रेल सबसे कट गया है। हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलने वाले इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फिर से तबाही हर तरफ है। आसाम में इस फ्लड में 80 से ज्यादा जाने गई हैं। सोचिए सिर्फ कुछ दिनों की बारिश में 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कुछ बह गए और डिस्प्लेस्ड लोगों का आंकड़ा लाखों लाख में है। शहर डूबे हैं, गांव में सड़क और नदी एक जैसी है। रेलवे ट्रैक पानी के अंदर है। नेशनल हाईवे जहां तहां कट गई बह गई है। आसाम के साथ मेघालय में भी हालात ऐसे ही हैं। गारो खासी और जयंतिया के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, तो आसाम मेघालय को जोड़ने वाली सड़कों पर बाढ़ बवंडर बनकर बह रहा है। त्रिपुरा भी इस मौसम की बर्बादी से बचा हुआ नहीं है। बारिश से मैदानी इलाकों में जिंदगी थमी है, तो सड़क और रेल दोनों जगहों पर बाढ़ ने त्रिपुरा को देश के अन्य हिस्सों से अलग काट दिया है। हर साल ब्रह्मपुत्र आसाम और आसपास बाढ़ का कहर दिखाता है। पिछले महीने ही दीमाहासो और नागाओ से शुरू हुआ ये मंजर अब पूरे आसाम को अपने आगोश में ले चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन मौत और बर्बादी का नंबर बढ़ना भी जारी है। कोई शक नहीं कि समस्या को अब परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है, वरना आसाम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फ्लड्स का कहर रुकेगा नहीं। फिलहाल सभी लोग जो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रह रहे हैं वो सेफ रहे, ये प्रार्थना है। नमस्कार।